और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में सियासी संग्राम के बीच बड़ी और अहम खबर, कल पटना जाएंगे अमित शाह। ये सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत के लिहाज से, ये बड़ी खबर है, गृहमंत्री अमित शाह कल पटना जाएंगे। जो बड़ी और अहम खबर आ रही है उसके मुताबिक देखिए, उत्कर्ष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। उत्कर्ष, क्या जानकारी है, अमित शाह कल पटना जा रहे हैं, पहले से कार्यक्रम तय था या फिर जो सियासी उठापटक है उसके बीच ये दौरा है? अब बिल्कुल देखिए, बिहार में जिस तरीके से सियासी उठापटक हो रही है उस बीच ये खबर आ रही है कि कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ सकते हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए अमित शाह बिहार आ सकते हैं। देखिए इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर जो है वो बैठक चल रही है, रैपिड बैठक कह सकते हैं क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों की बैठक चल रही थी और ऐसे में बिहार बीजेपी की बैठक चल रही है। और इस बैठक से ये बात निकल के सामने आई है कि जब समर्थन जो है वो दिया जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। इससे पहले भी जब 2020 में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और इस बार फिर से अमित शाह बिहार आ सकते हैं। कल अमित शाह का कार्यक्रम जो है वो बिहार का हो सकता है। कल अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है जो तय माना जा रहा है तो अमित शाह जो है वो बिहार आएंगे, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं आलाकमान के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये भी माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो भी आ सकते हैं, लेकिन अमित शाह की बात अब साफ हो चुकी है। कल से जो तस्वीरें नजर आ रही थी और ये बात जब साफ हुई कि जो समर्थन पत्र है वो बिहार बीजेपी के द्वारा आज दे दिया जाएगा, तमाम विधायकों के द्वारा समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के बाद जब कल शपथ ग्रहण उत्कर्ष टाइमिंग क्या है अमित शाह के बिहार पहुंचने की, मौजूद रहेंगे राजभवन में, अमित शाह रहेंगे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सियासी संग्राम के बीच, बड़ी और अहम खबर, कल पटना जाएंगे अमित शाह, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और हमारे सहयोगी उत्कर्ष बता रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण होना है नीतीश कुमार का उसमें शामिल हो सकते हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। और बड़ी और अहम खबर यह भी है कि अमित शाह के साथ कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो खबर सूत्रों से है कल खबर कंफर्म हो जाएगी। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है सियासी संग्राम के बीच, कल पटना जाएंगे अमित शाह। उत्कर्ष, कल जेपी नड्डा भी जा रहे हैं, बिहार बीजेपी क्या कह रही है इस वक्त? देखिए फिलहाल बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में हो रही है। इस वक्त तमाम नेता जो है वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा है कि जो बिहार के हित के लिए होगा वो बीजेपी करेगी, यानी कि साफ संकेत जो है वो बीजेपी का ये है कि जेडीयू के साथ जाना जो है वो तय हो चुका है। एक बस बैठक हो रही है, औपचारिक बैठक, क्योंकि इससे पहले जो बड़ी बैठक है वो दिल्ली में हो चुकी है जहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे, जहाँ पर तमाम जानकारियाँ जो है उनके द्वारा दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक औपचारिक बैठक हो रही है जिसके बाद एक समर्थन पत्र जो है वो नीतीश कुमार को दिया जाएगा। इस समर्थन पत्र के बाद बिहार की सियासत जो है वो बदल जाएगी, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद नई सरकार का गठन जो है वो कल हो जाएगा। देखिए किस शर्तों पर। चलिए उत्कर्ष, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास।